हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल जीएस सुतशनी में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेलवे में लेवल वन की पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है। ये मेरी अक्टूबर 2022 यानी इस मंथ की सैलरी स्लिप है। मेरा NER जोन है और जिसमें मुझे बनारस डिवीजन मिला हुआ है। NER का मतलब हो गया RRB गोरखपुर, जो वैकेंसी कंडक्ट कराती है वो NER रेलवे के लिए कराती है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए। तो वहाँ पे कितने कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिकवरी होती है वो सारी बातें जानेंगे, और टोटल कितना नेट पे बनता है वो भी बातें जानेंगे, और भी लीव के बारे में और कौन कौन से अलाउंस होते हैं सब बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 1095 सब्सक्राइबर है। वीडियो एंड करते समय हम देखेंगे कि कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसको हम लोग 1100 का नंबर आज पूरा करा देना है फटाफट से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये आ गए हम लोग अपनी इस सैलरी स्लिप पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे कर्मचारी संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको PF नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट नंबर, यहाँ पे भी आपको PF नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो एक पर्सनल डिटेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको अपना, यहाँ पे आपकी पोस्ट, जैसे ये हेल्पर की पोस्ट है तो यहाँ पे हेल्पर लिखा हुआ है, वैसे अगर आपका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेशन लिखा हुआ आता है, यानी जिस स्टेशन पे आप कार्यरत है, मतलब जौन से स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपकी बिल यूनिट लिखी रहेगी, यहाँ पे एक नंबर भी लिखा रहता है, हर बिल यूनिट का एक नंबर होता है वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर आधार नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी आपकी। फिर यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट यानी सैलरी, देखिए यहाँ पे मेरा बेसिक पे जो है 19,700 है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे 18,000 रुपये पे, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरा बेसिक पे 18,000 था, अभी 19,700 हो गया। तो कैसे होता है, पहले इंक्रीमेंट लगता है, एक बार इंक्रीमेंट लगा तो 18,500 हुआ, फिर इंक्रीमेंट लगा तो 19,100 रुपये हुआ, और फिर इंक्रीमेंट लगा तो 19,700 रुपये हो गया। तो इस तरीके से 3 बार इंक्रीमेंट लग चुका है। तो हर बार मेरा जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, तो सबसे पहले जुलाई 2020 में इंक्रीमेंट लगा था, फिर जुलाई 2021 में इंक्रीमेंट लगा, और फिर जुलाई 2022 में इंक्रीमेंट लगा। अब कब लगेगा, तो अब देखिए लिखा हुआ यहाँ पे 23 में लगेगा, ठीक है। तो अब जुलाई 23 में लगेगा मेरा इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट की डेट लिखी हुई है, जब आपकी सैलरी बढ़ती है, यानी जब आपका बेसिक पे बढ़ता है, ठीक है। बेसिक पे साल में एक बार बढ़ता है, जबकि ये DA जो आपको दिख रहा है, डियरनेस अलाउंस, ये आपका 2 बार बढ़ता है साल में। ये एक बार बढ़ता है, किसी का जुलाई में बढ़ता है, वो आपके ज्वाइनिंग डेट पर डिपेंड करता है कि आपका जुलाई में बढ़ेगा या जनवरी में, लेकिन साल में सिर्फ एक ही बार बढ़ेगा। जबकि DA जो है वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में सरकार इसकी घोषणा करती है कि DA को 3%, 4%, कितने परसेंट से बढ़ा रही है वो डिपेंड करता है महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका DA बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है आपका DA कितना बढ़ेगा, लेकिन ये 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और फिर एक बार जुलाई में, दोनों बार ये बढ़ता है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट डेट थी वो मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी रहेगी, और फिर यहाँ पे आपका बैंक की डिटेल्स होंगी, यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर होगा। तो इस तरीके की माइनर डिटेल्स होती है आपकी, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें लीव का डिटेल दिया रहता है। लीव की डिटेल वैसे अपडेट नहीं होती है, लेकिन मैं इसमें लीव भी आपको थोड़ी समझा देता हूँ। तो देखिए, इसमें 2 तरीके की लीव है, ये है LAP और ये है LHAP, ठीक है। तो LAP का मतलब क्या होता है, LAP एक तरीके की अर्जित अवकाश होता है। यहाँ पे देखिए, औसत वैतनिक अवकाश भी इसको कहते हैं, ठीक है, लीव ऑन एवरेज पे, लेकिन इसे कहते हैं, जैसे जो मेरा बेसिक है, ये मेरा बेसिक है ना, आपको LAP हर साल 2 बार मिलती है, एक बार जनवरी में आपको 15 LAP मिलती है, और जुलाई में भी आपको 15 LAP मिलती है, यानी साल की आपको 30 LAP मिलती है, यानी 30 दिनों की छुट्टी मिलती है, ठीक है। ये जो है, अगर आपने इस साल 30 छुट्टियां नहीं ली, या मान लीजिए एक भी नहीं ली, तो ये 30 की 30 अगले साल आपके ऐड हो जाएगी। 30 तो उस साल फिर से मिलेगी, और ये 30 भी उसमें ऐड होकर आपके पास टोटल 60 छुट्टियां हो जाएगी। तो वैसे ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास टोटल 105 छुट्टियां हो गई हैं LAP, और अगर यहाँ पे LHAP की बात करें तो ये हर साल आपको 20 मिलती है, ठीक है। कैसे मिलती है, 20, 10 मिलती है जनवरी में, 10 मिलती है जुलाई में, तो ये मिलकर हो जाती है 20। लेकिन इसको, ये 20 को आप 10 ही समझिए, क्योंकि ये हाफ है ना, यहाँ हाफ लिखा हुआ है, मतलब इसमें 2 दिन की छुट्टी खत्म हो जाएगी। अगर आप एक दिन छुट्टी लेंगे तो उसमें आपकी 2 छुट्टियां माइनस होंगी, तो ये एक तरीके से 70 दिखाई दे रही है, लेकिन ये 35 लीव ही है, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मेन बात पे कि पेमेंट कितनी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे विदाउट पेइंग डेज एक भी नहीं है, मैंने हर रोज काम किया, ड्यूटी डेज है मेरे सारे के सारे पूरे महीने में जितने भी दिन थे। तो सबसे पहले आपका एक होता है बेसिक पे। बेसिक पे मेरा जो है इस समय 19,700 रुपये है, स्टार्टिंग में 18,000 मिलता है लेवल वन पे। इसकी भी हम बात करेंगे, जैसे NTPC के रिस्पेक्ट में भी बात कर लेंगे। NTPC में क्योंकि अलग अलग लेवल की जॉब है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है, सॉरी लेवल 5 भी है, लेवल 6 भी है, 4 के बारे में उतनी बात कर लेते हैं, चलिए सबके बारे में बात कर लेंगे। तो लेवल 2 में 19,100 रुपये मिलती है पेमेंट, स्टार्टिंग पेमेंट होती है। लेवल 5 की बात करें तो 28,200 या 29,000 शायद है, की बात करें तो इनकी 35,400 है लेवल 6 की, ठीक है। ये बेसिक पे हो गया, लेकिन लेवल 1 का बेसिक पे कितना है, 18,000 रुपये लेवल 1 का, लेकिन यहाँ पे बढ़ के क्योंकि 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं तो 19,700 हो गया। उसके बाद बात करते हैं DA की। DA समय बढ़ के शायद 38% हो गया, ठीक है। उतना हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि देखिए आप जितना कैलकुलेट रहेंगे करेंगे उतना परेशान भी रहेंगे, कितनी कम सैलरी आ रही है, ज्यादा आ रही है। बस आपको एक मोटी मोटा आइडिया होना चाहिए कि आपको कितनी पेमेंट मिलेगी। तो अभी समय 38% हो, तो इसका आप 38% निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है, तो इसका 38% निकाल लीजिए। लेवल 5 में अच्छे नंबर है तो इसका 38% निकाल लीजिए, तो उतना आपको DA मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे DA का एरियर आया है, क्योंकि DA अलाउंस कब हो जाता है, जुलाई में, लेकिन मिलता कब है, मिला है अक्टूबर में। तो क्या 3 महीने मेरे को, तो देखिए जुलाई का नहीं मिला था, अगस्त का नहीं मिला था, सितंबर का नहीं मिला था, अक्टूबर का नहीं मिला था, तो ये 4 महीने का DA, सितंबर का भी मान के चलिए, तो ये 3 महीने का DA जो है मेरे को नहीं मिला था। और लगभग ये 4% की बढ़ोतरी इस बार DA में हुई थी, 4% की, तो 4% मेरी सैलरी का मुझे नहीं मिला था, तो वही जोड़ के एरियर मिला है, ठीक है। उसे एरियर कहते हैं जब बाद में मिलता है। तो फिर ये TRA है, TRA का मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसकी भी बात कर लेते हैं। TRA कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो, जॉब लगने वाली है आपकी, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल है, टेबल बनी हुई है, मैं सारी बातें आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करेंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैलकुलेट ऐसे होता है
कि अगर आप 5400 से ऊपर ग्रेड पे हैं, जो कि एनटीपीसी में कोई वैकेंसी नहीं है 5400 से ऊपर वाली, ठीक है, तो इसकी बात नहीं करते। लेकिन अगर आप 3 से 8 लेवल के बीच में, अगर आपका लेवल 3 से लेके 8 तक है, तो आपको कितना मिलेगा, TRA 1800 रुपये मिलेगा, और प्लस में DA का परसेंटेज जोड़ लीजिए। DA कितना है इस समय, 38%, तो 1800 का 38% निकाल के इसमें जोड़ लीजिए 1800 में, यानी 1800 का सीधे सीधे 138% कर दीजिए, इतना DA आपको मिलेगा अगर आप 3 से 8 के बीच में लेवल में। तो इसी में 3 वाले भी आ जाएंगे, 4 वाले भी, और 5 वाले भी, और 6 वाले भी, ठीक है। तो इन सबको इतना DA मिलेगा, ये DA आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है। अगर बात करें 1 और 2 की, तो लेवल 2 वालों को कितना मिलेगा, 900 प्लस DA मिलेगा, मतलब 900 प्लस 900 का 138%, क्योंकि 100% तो 900 ही हो गया और 38% आपका DA है, तो इतना मिलेगा आपको। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 वालों को कितना मिलेगा। वैसे 2 वालों को उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिलता है, ठीक है, तो आप मेरा भी देख सकते हैं। बाकी ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये बड़ी सिटीज़ के लिए, ये जिन सिटीज़ का नाम यहाँ पे दिया है ना, इन सिटीज़ में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इन सिटी में ट्रैवल करना महंगा है, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता, चेन्नई, गाजियाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, इन सब में ट्रैवल करना महंगा है, इसलिए यहाँ पे देखिए 3600 मिल रहा है, तो यहाँ पे 7200 प्लस DA मिल रहा है, यहाँ 1800 मिल रहा है, यहाँ 3600 सीधा डबल, यहाँ 900 है, तो यहाँ 1350, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखिए, बेशक आपका अब तो वैसे कभी 900 से कम होता नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 900 से कम तो नहीं मिल सकता है DA, और मैक्सिमम 15750 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है। कभी भी DA बढ़ के मान लो 200% भी हो जाए, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको 21000 रुपये मिलने लग जाएगा, नहीं, 15750 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, और मिनिमम लिमिट है 900 रुपये, ठीक है। तो इससे ज़्यादा या इससे कम DA आपको नहीं मिलता है। उसके बाद और भी बात कर लेते हैं, और कौन कौन से अलाउंस मेरी सैलरी में, उसके हिसाब से देखेंगे, एक एक अलाउंस की बात करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, एक दिन मैंने हॉलीडे पे काम किया, हॉलीडे मतलब क्या होता है, नेशनल हॉलीडे, आपको लगभग 13 से 14 छुट्टियां मिलती हैं अगर आप लाइन कर्मचारी हैं तो, और 17 से 18 छुट्टियां मिलती हैं अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो यही होता है। हर साल कुछ छुट्टियां, जैसे इस बार अंबेडकर जयंती वाली छुट्टी अगर आपकी बढ़ गई है, जैसे हम लोगों को इस बार 14 अप्रैल को होती है ना अंबेडकर जयंती, तो उसकी छुट्टी पहले नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी है, तो उसके बदले जो छठ पूजा भी आने वाली है, उसकी छुट्टी जो है हम लोगों की काट ली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई छुट्टी बढ़ाते हैं तो कोई काट लेते हैं, लेकिन 13 से 14 छुट्टी एवरेज मिलती है आपको, जिसे हम नेशनल हॉलीडे कहते हैं, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, ये सब। लेकिन रेल तो रोज चलती है, तो किसी किसी दिन क्या है, आपको नेशनल हॉलीडे पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे आप SM बनेंगे, स्टेशन मास्टर बनेंगे, आपको रोज काम करना पड़ेगा, गुड्स गार्ड बनेंगे, रोज काम, कोई गुड्स गार्ड को किसी को छुट्टी मिलेगी, लेकिन ऐसा सब लोग अगर घर चले जाएंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी, तो इसलिए सबको छुट्टी नहीं मिलती, तो कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, तो उनको उसके लिए नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, जो कि मुझे मिलता है 384 रुपये। ये भी आपको लेवल वाइज मिलेगा, जौन से लेवल में आपकी पोस्टिंग है उस लेवल के हिसाब से मिलेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि किस हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो हम आएंगे नेशनल हॉलीडे अलाउंस पे, ये मैं आपने ये जो इसकी PDF शेयर कर दूंगा, मेरे ग्रुप में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कितना मिलेगा। देखिए, लेवल 1 और 2 वालों को 384 मिलता है, तो यानी अगर आप लेवल 2 में ज्वाइन करेंगे NTPC में, तो आपको 384 रुपये मिलेगा, लेकिन 3 से 5 वालों को 477 रुपये मिलता है, आप एक दिन काम करेंगे तो 477 रुपये आपको मिलेंगे, और अगर आप लेवल 6 में ज्वाइन करें तो आपको 630 रुपये मिलेगा नेशनल हॉलीडे, यानी NH अलाउंस, जिसे NH कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया NH, इसकी बात कर ली हमने। चलिए आगे भी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं मेरी सैलरी में, और उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि वो अलाउंस कितना मिलता है। देखिए, फिर सबसे ज़्यादा जो इस सैलरी को इनहेंस करता है, जो हम लोगों की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा आती है, वो इसकी वजह से, ट्रैवलिंग अलाउंस, क्योंकि हम लोग की रनिंग ड्यूटी, हमको क्या है कि जैसे मेरा जो हेडक्वार्टर है, मुझे हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर इधर काम करने जाना पड़ सकता है, और 30 किलोमीटर इस साइड भी काम करने जाना पड़ सकता है, ये रेंज होती है 30 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर इधर। तो अगर आप इधर जाते हैं 8 किलोमीटर से ज़्यादा, इस तरफ ट्रैवल करते हैं 8 किलो, या इधर ट्रैवल करते हैं, मतलब अपने हेडक्वार्टर से किधर भी 8 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और 8 घंटे तक उतनी दूर रहते हैं, तो आपको 350 रुपये मिलेंगे, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी अलग अलग लेवल की भी मैं बात करूँगा। और अगर आप 12 घंटे रहते हैं उससे ज़्यादा, तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको TA मिलता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखिए, और ये मैक्सिमम बन सकता है 7500 रुपये, ठीक है। आप 15 दिन से ज़्यादा का TA, 15 दिन से ज़्यादा भी अगर आप बाहर गए, तो इससे ज़्यादा आप TA क्लेम नहीं कर सकते, मतलब ले नहीं सकते। वैसे आप 24 दिन के 24 दिन बाहर गए हो, लेकिन आप 15 दिन से ज़्यादा इसे नहीं ले सकते। तो ये मेरा 7450 रुपये ये TA बना है, और ये भी आपका बनता है आपकी पोस्ट के वाइज, कि आप कौन से लेवल पे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि किस लेवल पे कितना बनता है। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस है, अगर आप लेवल 1 से 5 के बीच में, तो आपका 500 रुपये बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 12 घंटे बाहर रहते हो तो आपको 500 रुपये मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए, अगर 6 घंटे से कम रहेंगे तो 30% मिलता है, ठीक है। अगर 6 से 12 घंटे के बीच में रहेंगे तो 70% मिलता है, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा रहेंगे तो पूरा 100% मिलता है। 100% का मतलब ये होता है 500 रुपये, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन मैक्सिमम आप 14.9 दिन ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते, इससे कमी भरना है हमारे डिपार्टमेंट में। और ये 8 किलोमीटर से आगे जाने पे ही मिलता है, जब 8 किलोमीटर से ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं। लेकिन जिस बच्चे की लेवल 6 में ज्वाइनिंग हो रही है, उसको 800 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे वालों को ये फायदा है कि उनको ट्रैवलिंग अलाउंस 300 रुपये ज़्यादा मिलता है, यानी अगर उनको 15 दिन भी भरने की परमिशन रहेगी, लेकिन वैसे सुनते हैं SM में शायद ज़्यादा दिन परमिशन है, हमारे डिपार्टमेंट में 15 दिन की है मैक्सिमम। तो अगर उनको 15 दिन भी रहेगी, तो 15 अटे लगभग आपको 1 लाख कह रहा हूँ, 11200 रुपये के आसपास शायद आपका बन जाएगा आराम से, 11000 रुपये तो आपका यही बन जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये जो है, इससे आपकी क्या होता है, थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाती है, जो आप मेहनत करते हो, जो जाते हो जाने आने में जो खर्च होता है वो निकल जाता है, और इससे थोड़ी अच्छी सैलरी आती है। ये तो हो गई मिलने वाली बात, इतने रुपये मेरे को मिलते हैं, जो कि टोटल कितने हो जाते हैं, 38734 रुपये मेरे को टोटल मिलते हैं। उसके बाद कुछ कटौतियाँ होती हैं, रिकवरीज होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेलवे एक इंश्योरेंस करती है, जिसे स्कीम सी कहते हैं, उसमें 30 रुपये कटते हैं हर महीने। फिर मैंने एक LIC करा रखी है, जो कि मेरी सैलरी से कट जाती है, वो 770 रुपये, तो ऐसे 800 रुपये ये कट गए। उसके बाद पेंशन स्कीम, जिसे NPS कहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, पहले OPS चलता था, NPS चलता है, तो NPS में कट जाते हैं 2955 रुपये। या आपकी सैलरी जो बेसिक है, जो DA है, और जो DA का एरियर बना है, वैसे एरियर हर महीने तो नहीं बनता है, लेकिन बेसिक और DA का जो होता है उसका 10% कटता है, ठीक है। तो आप इसको अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको लगभग 29550 रुपये मिलेगा, और उसका 10% जो है यहाँ पे काट लिया गया है, 2955 रुपये, ठीक है।
इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वार्टर ले रखा है तो मैं 220 रुपये इलेक्ट्रिक चार्ज कर जाता है, हाउस रेंट भी कर जाता है 290 रुपये, और 15 रुपये वाटर चार्ज करता है। तो इस तरीके की कटौतियाँ होती हैं 4280 रुपये की, और मेरे हाथ में जो इन हैंड सैलरी जिसको कहते हैं वो है 34454 रुपये इस महीने की। तो इस तरीके की आपको पेमेंट मिलती है, इसमें आपको एचआरए मिल सकता है अगर आपने रूम नहीं ले रखा है तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वार्टर ले रखा है तो इसलिए मेरे को एचआरए नहीं मिलता, पहले मिलता था, इस समय मैंने रूम अलॉट करा लिया तो मेरे को एचआरए नहीं मिलता। तो इस तरीके से आपको भी सैलरी मिलेगी, आप अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से वो अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आपको इसकी ये चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी सैलरी जो है वो देख सकते हैं कि कितनी सैलरी आपकी बनेगी आपको जो भी पोस्ट। और देखिए अगर जितनी लेट हो रही है ना एनटीपीसी की ज्वाइनिंग में, जितना भी समय लग रहा है, ये जो धीरे धीरे काम चल रहा है, 7 बच्चों की लिस्ट आ रही है भुवनेश्वर, 7 बच्चों की लिस्ट दे रहा है, बताइए 7 में से अगर एक बच्चा फिर से मेडिकल में अनफिट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये फिर से लिस्ट दे देंगे एक बच्चे की। तो इस तरीके से लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा, 4 का कब आएगा, 3 का कब आएगा, 2 का कब आएगा। और सोचिए अगर 2 क्या आप लेवल 1 में भी होते तो आपको 35,000 के आसपास सैलरी मिल रही होती, तो हर महीने आपका 35,000 का नुकसान हो रहा है। अगर ये वैकेंसी 10 महीने और लेट हो गई आपको 3.5 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 लाख का नुकसान। तो इस चीज़ को सोचिए और कोई ना कोई हम लोगों को कैंपेन चलाना पड़े या फिर जो भी चीज़ करनी पड़े वो करनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। हम लोग पहले से कह रहे थे कि 1.1 में बच्चों को बुला लो, लेकिन उन्होंने 1:1 में बच्चे बुलाए और अब बार बार दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट ऐसे निकल रही है, तो इससे क्या है कि नुकसान हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। ये मेरी आप लोगों से अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए अभी तक 1095 ही है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, बताइए। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, 1100 का टारगेट है, जल्दी से 1100 पूरा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।